हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो आज आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेल में कि अपने डुप्लीकेट डाटा को फाइंड करके डिलीट कैसे करें। तो आइए लोग जानते हैं, पहले चलते हैं अपने एक्सेल शीट चलते हैं। ये हम अपने एक्सेल शीट में आ चुके हैं। अब मुझे इसमें, जैसे कि देख रहे हैं कि मुझे इसमें अपने डाटा को, मैंने बहुत सारे डाटा में हैं जो इसमें डुप्लीकेट हैं, तो मुझे इसमें फाइंड करके रिमूव करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं फाइंड कैसे किया जाता है कि इसमें मेरे डुप्लीकेट डाटा इसमें कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आइए हम लोग चलते हैं। जैसे कि मैंने डाटा को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ओके, ये डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इतने डाटा मैंने। उसके बाद आप आएंगे ये होम टैब में आएंगे। होम टैब के बारे में बताएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। तो इसके बाद ये देखिए लिखा है हाईलाइट सेल रूल्स, इस पर आने के बाद नीचे देखिए आपको ये दे रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट करने लगेगा। तो ये देखिए आपको ये यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, जब तो आप यहाँ से वैल्यू में जो भी कलर देख चेक कर डालना चाहे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ सिंपल ओके कर लेंगे तो ये देखिए ये आपको हाईलाइट करने लगा है। ये आपके 1 2 3 4 मतलब कि दो डुप्लीकेट है आपके, मतलब कि एक कुलदीप का है और एक ये मोहित का है। तो ये आपके दो एंटिटीज में डुप्लीकेट हैं। तो आप इसको जैसे फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक। और जैसे आपको इसी में से कुछ डिलीट करना है डुप्लीकेट आइटम्स को, तो आपको इसको फ्रेंड से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा पर, जाना पड़ेगा डेटा पर। जाते ही आपको देखिए डाटा टूल्स में आपको ये दे रहा है रिमूव डुप्लीकेट। तो जैसे आप रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अभी तो इस पर ये देखिए यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक हुआ इस पर माई डाटा है इस पर। तो आप इसको हटा देंगे तो देखिए आपको सिर्फ कॉलम शो करेगा सी और डी। सी और डी कॉलम में है, सी में मेरा नेम है और डी में ये सब्जेक्ट जो है नंबर है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए शो करने लगा कॉलम में क्या है, आपका नाम है। तो आप जिसको आप जो भी डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल पहले आप ओके करेंगे, दिखा देते हैं। ये मैंने ओके किया, ये देखिए आपको लिखा है टू डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, मतलब कि आपके दो जो है डेट डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो गई हैं डुप्लीकेट। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मैंने मेरे दो डुप्लीकेट जो एंट्री थी वो हो गई डिलीट। इसमें भी लेकिन दिखा रहा है क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट में है, ओके। तो अभी ये दिखा रहा है और ये आपकी दो एंट्री आपकी डिलीट हो गई हैं। और जैसे कि आप देना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मतलब कि ये आपका जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश जो डुप्लीकेट मतलब कि दिखा सब्जेक्ट में, सिर्फ इसी एंट्री को मुझे डिलीट करना है, एक मतलब एक कॉलम के मुझे डिलीट करना है। तो एक कॉलम डिलीट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। इसके बाद अब ये डेटा पर जाएंगे, डेटा के बाद ये रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है एक्सपेंड, मतलब कि आपको दोनों करना है या करंट करना है। हमको ये करंट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे करंट सिलेक्शन करना है। रिमूव पर क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये आपका रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन इस तरह से काम करता है, ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करें।